वो कुछ बोलिए आप, देखो किस तरह खड़ा है इसका ना रंग पेंट करके वो नहीं बनाते शो पीस में रखा है बोनसाई नहीं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, पूनम जालीवाल ब्लॉग में आपका स्वागत है। व्हाट इज दिस? दिस इज द मक्खन। मक्खन घर का ही बना लेना क्योंकि दो जैसे मलाई इकट्ठी करके दो दिन की दूसरी मशीन थी ना वो खराब होगी तो ये ब्लेंडर से बना लिया अब की बार मैंने, नहीं तो वो दूसरी जो नहीं पहले जो ट्रेडिशनल गांव में जो दूध बिलवाया करते उस टाइप का लेके आ रखे मैंने, छोटा सा मटका और उसके रही छोटी सी तो उसी से बनाया कर, आज वो खराब हो गया इसके कारण ब्लेंडर इस्तेमाल करना फिर इसमें भी आ गया। तो हमारे घर में सभी को घर का बना हुआ मक्खन बहुत पसंद आता है इसलिए मैं घर में ही बना लेती हूँ, और अगर ज़्यादा हो गया तो इसका घी भी बना दूंगी, गर्म करके इसको अच्छे से साफ करके घर में रख देंगे, चल जाता हमारा दो दिन में तीन दिन में ये जैसे निकल आ गया ना ये मक्खन इतना देखो है ना। अगर किसी को मक्खन खाना है तो मनीषा से कॉन्टेक्ट कर लें। सारी छत की ग्रीनरी सारी उखाड़ दी मैंने, ये ग्रीनरी नहीं हटाई क्योंकि है ना नीचे ये पूरी बेल फैली हुई थी देख रखी पहले भी तो पूरे पे ना नीचे से चूहे आ रहे थे ऊपर बहुत ज्यादा, तो ये पेड़ हटाना ये गिलो है ना फिर फैल जाए थोड़े दिन में क्योंकि बारिश का मौसम है ना तो गिलो फिर फैल जाएगी, सारे गमले अच्छे से उतार के जो मतलब इनके पार्ट खराब हो रखे थे या फिर ज्यादा फैल रखे थे गमले जिस तरह ये सूख रहे हैं तो ये पेड़ सूख रहे हैं या कोई भी सूख रहे थे पत्ते वो निकाल दिए उन्होंने तो थोड़ी बहुत दिन बाद कर रही हूँ सफाई में क्योंकि तो पूरे को फैल गई थी, कपड़े भी सुखाओ तो भी गमले भी दबा लिए पूरे से बेल में तो ये बेल हट जाएगी ना फिर दोबारा फूट के नहीं आ जाएगी क्योंकि बारिश का मौसम है ना तो बारिश के मौसम थोड़ी जल्दी पेड़ हरे भरे हो जाए, और पूरे गमले भी खराब हो रहे थे बहुत दिन हो गए कि वो अच्छी तरह सफाई नहीं कर रखी थी। और पाइन ऐपल कहाँ पे? हाँ ये पाइन ऐपल हमारा लिटिल पाइन एप्पल छोटा सा पाइन एप्पल पूरे गमले की मैं अच्छे से सफाई कर रही हूँ, काट वाट के देखिए जरा सूखे पत्ते नहीं ये हटा रही हूँ पाइन एप्पल के हाथ बचा के बहुत अच्छी है। एक वो ना केबल की जो नेट आ रहा है ना क्या बोलते उसको वायर है नेट की वो वाईफाई की वो हट जाएगी ना, वो वाईफाई वाला बुलाया वो हट जाएगी ना फिर पूरी बेल नीचे गिर जाएगी क्योंकि उसके कारण अटक रही है, अगर भाई भी हम जबरदस्ती भी डालेंगे ना नीचे तो फाइबर की तार है वो नेट वाली तो वो टूट जाएगी इसके कारण, फिर पहले नेट वाईफाई वाला बुलाया है वो तार हटा के फिर पूरी नीचे गिर जाएगी ये वाली पहले भी काट दी थी पूरी हमने ये तो ये फाइबर की तार है ना ये जो वाईफाई की ये टूट जाएगी अगर हमने इसमें दोनों तार इसी में आ रही दोनों वाईफाई की। यार कितना खाली खाली लग रहा है अब, खाली खाली हो गया ना पूरा क्योंकि पहले भी दिखा रहा था हरा हरा लग रहा था और ये अपने बाद पहले भी एक बार पूरी हट गई थी गिलो हुई तो मैंने पूरी जड़ से काट दी थी फिर फैल के आगे देखिए इस साइड पूरी एकदम छत पे जड़ी चली गई और थोड़े दिन में अपने आप ही आ जाएगी बिना जड़ आई है ये जड़ नहीं थी इसके नीचे जड़ भी काट दी थी मैंने फिर भी हरी होगी अभी थोड़े दिन बाद में ना जैसे बारिश खत्म होगी उस टाइम तक तो फिर आ जाएगी ऊपर पतला। अब एकदम रोड क्लियर दिख रहा है यहाँ से इस साइड से यहाँ नीचे है ब्रूनो भी आ गया वो साइड वाला प्लॉट खाली पड़ा है ना और उसमें चूहे हैं और सारे चूहे अंदर आ गए छत पे चूहे चूहे हो गए इसके कारण थोड़ी सी सफाई तो जरूरी थी ब्रूनो काम करो बेटा मनीषा तो मनीषा कर लेगी मनीषा नीचे करेगी सफाई हम ऊपर कर ले सफाई ठीक है चलो जाओ नीचे आ जाओ ब्रूनो चलो भागो 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 ये भागो अब कुछ इस तरीके से लग रही है। और बल्कि पता है कल ही पापा ऐसा बोल रहे थे कि इसको बेल को हटाना मत ऑक्सीजन और ग्रीनरी एकदम पूरी अच्छी आ रही है। अरे ये किस बात गया? और आज ही आपने कर दिया इसका काम देखिए छिपकली थी ये कितने और ये पेड़ इतना अच्छा था नींबू का सारा सूख गया इसमें नींबू भी आते थे ना आया करते पहले नींबू थे आया करते इसमें खराब हो गया ये उखाड़ना बहुत सारे गमले उखाड़ के नए भी लेके आऊंगे अभी
पापा बोल रहे बोले और गम ले लिया, मैं पहले इनको ठीक करूँगी, काटते हैं इसे बेचारे। ध्यान से करना। हाँ तो ये इस तरह के गमले अट गया ना ये पूरा, तो सफाई हो जाएगी अच्छी तरह, और तो क्या है, इसमें खाद वाद डाल दूंगी और अच्छी तरह सफाई, और एक अद पेड़ लगा देंगे। चलो ठीक है आप करो, मैं भी जाते नीचे। नीचे आके मिले बाय। आ जाओ बुनो, बुनो आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बुनो दे हाँ आके बैठ चुका है, और देखिए हमारा सूखा नींबू का पेड़, इतना अच्छा नींबू लग गया करते इसका, पहले पता नहीं क्यों सूख गया इसका ना रंग पेंट करके वो नहीं बनाते शो पीस में रखा है बॉन्साई उस टाइम में बना के रख दे, घर में टांग दे कहीं ना कहीं, कोई हाथ लगा होगा उसमें क्या पड़ेगा। चलो आ जाओ, चल नीचे डाल दी इसको नीचे। हाँ वो साइड बाहर की साइड दूसरे किसी का लगना था, चलो 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 काम हम करके ना के अभी आई थी ऊपर, तो दिखाती माँ अचानक से इतनी तेज बारिश आ गई, इतना कोई मौसम भी नहीं था बारिश का। और ये देखो यहाँ हो रही है बारिश इतनी तेज, और आज मैंने दो बेल वेल तारी थी गमले रखे नीचे, मैं सोची थोड़ी देर में आके सफाई करूँगी, अभी नाश्ता करके आई हूँ और ना के आई मैं गमले जैसा हूँ। ये देखो बारिश, मैं पानी भर दूंगा पेड़ वेड़ में डालने के लिए ना, क्योंकि जो बारिश का पानी अच्छा पेड़ में तो डल गया। अरे आज तो निकल जिस बारिश ना आई तो कल तो पी रहा है, ये जो बारिश रखती है ना बाल्टी ये भर के रख दूंगी पेड़ में डालने के लिए, और वैसे पेड़ में मतलब तो आने दे दूंगे तो हमारा पानी ना मतलब कि बारिश में चलो करते हैं ऊपर जाके रिकॉर्ड करते हैं, इतनी अच्छी बारिश आती मौसम था नहीं बिल्कुल भी, अभी बारिश भी आएगी बारिश में आ रही है आ जाए नाले और आवाज हो रही है बहुत बुरी तरह बारिश, सुबह से ही चल रही है आज तक, और हम गए थे मार्केट में थोड़ा सामान लेने के लिए जो कि जरूरी था, नहीं तो नहीं जाते, इतनी बारिश में कौन बाहर निकलता भाई, भीगी भी गई मैं, छाता भी लेके बाहर गई थी सामान लेने के लिए फिर भी भीग गई, क्योंकि कुछ जरूरी सामान था जो घर का, फ्रूट वगैरह और सनरूफ खोल रखी से मतलब वैसे पानी तो नहीं आ रहा इसमें, तो वो सामान जरूरी था इसलिए आना पड़ा मार्केट में, मैं और प्रदीप आए थे, और बारिश का मौसम दिखा रही थोड़ी सी बारिश कम होगी, जब उतर के गई ना मार्केट में जब तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, भीग गई मैं, ये देखो कितना अच्छा मौसम हो रखा है, ठंडा ठंडा, ठंड हो जाए फिर गर्मी हो जाए उतनी ज़्यादा, फिर पता नहीं क्यों कैसा किस तरह का मौसम है समझ नहीं आ रहा, फिर ये तो वही रास्ता है समझ गई, चलो मिलते घर में ही। तो बुनो आज की हम मार्केट से, इतनी ज्यादा बारिश हो रही बाहर भी रही, ये देख बुरनो बुरनो मेरे आगे पीछे घूम रहा, देखो 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 बुरनो, मैं चिज्जू नहीं लेके आई, 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 दे दू ट्रीट दे दूंगे बेटे को, चलो ठीक है चलो 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 चलो, प्रदीप को बुला के ले गया पहले, प्रदीप अरे बुरनो को कुछ दो रे, इसका ये सोच रहा ना कुछ बाहर गए तो लेके आए होंगे, क्या कर रहे हो मम्मी? सिलाई, ये मेरा ये उसी दिन दिखाऊंगी मतलब तैयार करके, तो पहन के जब तैयार हो जाएगा, तैयार तो मैं कर दूंगी आज, वो देखो बाहर बच्चा है शीशा ना तो अंदर से सब कुछ दिख रहा है इसमें, बाहर से कुछ नहीं दिखता, और बुरनो में बैठे बैठे सब देखता रहे, और बुरनो को कुछ भी दिख जाए भोगना शुरू कर दे, बच्चे अपने शक्ल देख देख के कई बार तो बच्चे ही साइड आके ऊपर और नाचना शुरू कर देगी, ये देखिए कैमरा ऑन कर दिया है और बस बुलनो भी मस्ती शुरू हो जाए, होगी ना चुपचाप बैठा रहा यार, चुपचाप बैठा रहेगा जब तक मैं सिलाई करती रहूँ ना, चुपचाप बैठा रहेगा घूम फिर के अंदर तक घूम के पानी पीने पी के फिर आके बैठ जाएगा, बाहर कुछ कुछ भी दिख जाओ तब भोगना शुरू कर देगा,
कुछ भी तो नहीं, मतलब कोई कुत्ता होता भूखते ना, बच्चे भी आगे कई वर्ष कल देखना शुरू कर देना। क्या हो गया, क्या हो गया? अभी हो चुकी है मेरी सिलाई भी खत्म और सब्जी भी आ चुके हैं। बोलिए आप, देखो किस तरह खड़ा है। कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले, बोलो फिर कुछ तो, यू कौन सा तरीका है? हेलो हेलो हेलो, ये देख देख के बोलो कुछ तो बोलो। हेलो आए, कैसे हो, कहाँ जा रहे हो? मतलब से तो काम है, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं, बात ही नहीं करनी। मैं पीछे पीछे और ही देखो, ठीक है, अब स्कूटी उठा के जाना, पैदल नहीं जाना। हम कर लेते हैं अपना काम, ये जा रहे घूमने के लिए। अभी शाम का टाइम हो चुका, खाने का, मेरी सिलाई हो चुकी है। मस्ती, ये मस्ती, भूनो आगे पोपलू को उठा के भूनो आगे, मस्ती शुरू कर दी। तो सारा दिन मस्ती मस्ती, अरे बोल दी मैंने बुरनो को, हाँ कैमरा ऑन हो गया तो ज्यादा है, मस्ती शुरू कर दे बुरनो। क्या कर बुनो, कौन गया? पापा गए, पापा बाहर गए, बुनो के बाहर गए पापा। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, चलो हम अपना आप ही खेल लेंगे। चलो आ जा ले आ पोपलू, पोपलू ले आ, चलो मैं खेलूंगी तेरे साथ, ठीक है? मैं खेलूंगी बुनो को। छा लेते हैं अभी खाने की तैयारी, क्योंकि लेट हो जाएगा, अभी होने वाला है, बस खाने का टाइम 7 बजने वाले हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। बना रही हूँ आलू बीन्स की सब्जी, तो पहले मैंने इसमें डाल दिया था, आज मैं बस यार इसमें मिट्टी के बर्तन में बना रही हूँ खाना, कभी कभार बनाती हूँ, डेली तो नहीं बनाती, तो अच्छा बताते हैं ना मिट्टी के बर्तन में। तो पहले जीरा डाल दिया, प्याज डाल दिया है, तो थोड़ा सा भून लिया इसमें। वैसे मिट्टी के बर्तन में खाना एकदम बढ़िया बनता है, ज़्यादातर तो मैं या तो नॉन स्टिक के पैन में बनाती हूँ या तो कुकर में बना लेती हूँ कुछ, कई बार इसमें बहुत कम बनता है। फिर जब भी बनाते हैं खाना ज़बरदस्त, मतलब सब्जी इतनी टेस्टी बनती है बहुत ज़्यादा। और इस साइड कर रही हूँ मैं थोड़ा सा पनीर फ्राई, हल्का सा घी डाल के और इसमें हींग डाल के इसको रोस्ट कर रही हूँ बस पनीर को, क्योंकि बच्चे वैसे पनीर की सब्ज़ी इतनी पसंद भी नहीं करते पता नहीं क्यों। और थोड़ा सा ऐसे फ्राई करके दे दूँ ना इसमें किसी मिर्ची और नमक बस, और कुछ नहीं। तो प्याज भी उसके हैं, अब डाल देते हैं हम जो ये मैंने पीस के रखे है, इसमें है लहसुन टमाटर हरी मिर्ची धनिया और हल्दी। अब डाल दिए हैं आलू और ये डाल देंगे बीन्स। इसमें डाल दें थोड़ा नमक बस, तो सब्जियां बन रही है, पनीर हमारा हो चुका है फ्राई और दाल बना ली थी मैंने कुकर में, क्योंकि ज्यादातर सब्जियां जैसे जल्दी के लिए या फिर जैसे दाल चने हो गए ये बन तो जाते हैं इसमें, बहुत अच्छे बनते हैं, मैं कई बार बना लेती हूँ, फिर कई बार जल्दी होती है ना तो जल्दी खाना मांगते बच्चे, तो इसलिए उसमें दाल कुकर में बना लेती हूँ मैं ज़्यादातर। तो मेरे हस्बैंड बोलते तो है कई बार मिट्टी के बर्तन में बनाया करो, और दही भी हम मिट्टी के बर्तन में बनाते दिखाऊँ। और ये देखिए ये एक बर्तन लेके आ रखे हमने, ये जो देखा जो मार्केट में दही नहीं होती उसमें बड़े बड़े बर्तनों में, इस टाइप के बर्तनों में दही बनती है, तो ये छोटा टाइप का लेके आ रखा है हमने, इसमें मतलब 1 kg के करीब दही बन जाती है, और दही इसमें अच्छी बनती है वैसे। तो वैसे आजकल मिट्टी के बर्तन बहुत ज़्यादा अच्छे आए हुए हैं मार्केट में भी, अच्छे भी हैं और गैस पे भी चलते हैं, ऐसा नहीं है कि वो चूल्हे पे चलें या फिर गैस पे दिक्कत हो, कोई कुछ दिक्कत नहीं होती हमारी। ये जो ये मटकी सी है छोटी सी, ये बहुत दिन से हमारे यहाँ, और बना लेती हूँ मैं कभी कभार इसमें भी खाना, तो अभी ठीक है फिलहाल टच वुड। तो चलिए मैं खाना बना लेती बाकी का, रोटी वगैरह भी, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। अभी हो चुका हमारा खाना तैयार, देखिए ये है सब्जी दाल, ये सब्जी, तो चलिए खाना खा लेते हैं हम और फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। आप लोग भी आ जाइए खाना खा लेते हैं, बुनो चलो खाना खा लेंगे, खाना 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 है बुनो ने, बुनो ने कहने खाना भाई, बुनो भी खाएगा भी खाना। चलो ब्रूनो के इतने नखरे हो रखे आजकल,
दिन में भी नहीं खाया इसने खाना आज, तो चलिए अब देखते हो खाना खाएगा कि वो हमारे साथ हम खाऊंगे तो देख देख के खा भी ले शायद थोड़ा बहुत। गोल घूम ये बनो मेटल में अटके दे इधर ऊपर वाले रे ये बंदा मुझे से पदी पे डंडा दिख गया सही बोल रहा है ना तू दिख क्या रहा है रुक जा रुक जा तू बोल रहा है जो ये कपड़े को क्या यो वीडियो बनवा क्या है ये है वो तू चुकी है रात सारा काम हो चुका हमारा खाना पीना भी हो गया हमारा और अभी सोने की तैयारी है तो आज के व्लॉग का यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।